हेलो गाइस, आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरे ब्लॉग्स में। और आज मैं जाने वाला हूँ अपने दोस्त की नर्सरी में रामबाग में। तो नए नए प्लांट्स भी बताएंगे आपको, किस तरीके के प्लांट्स हैं और घर में कौन कौन से रखने लायक हैं और किस तरीके के कितने प्लांट्स हैं। तो आगे चल के मैं नर्सरी में पहुँच कर आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपने दोस्त ब्रजेश की नर्सरी में पहुँचने वाला हूँ और मैं यहाँ पर फाइनली पहुँच चुका हूँ। और ये मेरा दोस्त है ब्रजेश कुशवाहा, जो कि रामबाग, कहाँ पर, रामबाग आगरा में नर्सरी है। तो हमें बताइए कि किस तरीके के यहाँ प्लांट्स हैं, हमारे और पास सभी प्रकार के प्लांट हैं। तो हाँ दिखा सकते हो, जरा दिखाओ चल के। तो गाइज, हम लोग अब प्लांट्स देखने जा रहे हैं, कौन कौन से घर जैस्मिन के है, लिए। देखो कौन जैस्मिन सा, ये कौन सा है ब्रजेश भाई? जैस्मिन जैस्मिन, इसका अच्छा, व्हाइट कलर का फ्लावर लगता है, खुशबू आती है। हाँ ये वाला। छह अच्छा, ये कितने मंथ में बड़ा हो जाता है और कैसे क्या देना पड़ता है? महीने 6 महीने में। अच्छा, तो गाइज ये 6 महीने में बड़ा होता है प्लांट। और ये आती है, ये दिन का राजा, किसका राजा है? दिन का राजा। दिन का राजा। अच्छा ठीक है, ये ये भी दिन का बैठता राजा। है बहुत, अच्छा, तो इसकी खूबी क्या है ब्रजेश भाई? ये खुशबू देता है बहुत सुपर। अच्छा ये ठीक है, और कुछ हमें बताइए चल के। ये अशोक का पेड़, ये अशोक भी का पेड़ है। 4 से 5 साल लगता है इसे लंबा होने में। अच्छा, तो ये किस काम आता है? ये तो शो पीस है, 100 पीस है, तो पेड़ की छांव वगैरह भी इस देता है? तरीके से, इस तरीके अच्छा, से। इस तरीके का है ना। हाँ अच्छा, 100 पीस, काफी लंबा जाता है इसका तो। चलो और दिखाओ चल के ब्रजेश भाई। यहाँ पे कहीं यमुना नदी भी पास में ही पड़ती है? यमुना नदी यही पास में है, 200 मीटर की दूरी पर। अच्छा, तो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है ये। हाँ ये हमारे रहने का इंतजाम है, पुराना अच्छा, ये अच्छा, टाइम। यहाँ पर रहते हो पुराने टाइप से, है ना? यहाँ पे रुकता कौन है? अब कोई नहीं रहता, अच्छा, अब कोई नहीं रहता है। बाबा अच्छा, रहते थे, बाबा और एक्स्ट्रा पानी वगैरह की सिंचाई देनी हो तो कहाँ से यूज करते हैं? जमुना जी। जमुना जी, जमुना जी से डायरेक्ट इसके माध्यम से। ये देखो गाइस, ये देखो हल्का पानी यहाँ से इस तरफ से नाली से होते हुए जमुना जी से अटैच सीधे होते हुए यहाँ तक आती है। चलो आगे चल के हमें दिखाओ चल के। और कुछ कर दे इसे, कुछ कर दे। मतलब पौधे नहीं बिक रहे, बिक्री होती जो रोड पे होता है वो हाँ दिखता हाँ है, वो बिकता है। अच्छा, ये वाली जो अंदर ये है सब तो खाली हो चुके हैं, रोड से कितना अंदर है ये? रोड से होगा कम से कम 500 मीटर। 500 मीटर। अच्छा, छोटी छोटी गली की वजह से ट्रक हाँ वगैरह नहीं आ पाते हैं। बड़े बड़े वाहन नहीं आ पा रहे, इसलिए अच्छा काम यहाँ का ब्लॉक। अच्छा थोड़ा डाउन हो गया है। हाँ अच्छा देखो कैसे प्लांट्स यहाँ पर सूख गए हैं, कितने बड़े बड़े। और ये देखो छोटा सा एक, वो देखो भागा 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 भाग के जा रहा है पपी, भाग गया अंदर। तो कुछ देर में हम लोग यमुना किनारे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यमुना से लगी हुई ये नर्सरी है। और ये देखो मोर बैठे हुए हैं। क्या यहाँ पर सांप वगैरह भी तो निकल आते? नॉर्मल होगा, कॉमन सांप वगैरह तो निकलना यहाँ तो कॉमन होगा ब्रिटिश भाई। बिल्कुल कॉमन, अच्छा, तो रात में डर नहीं लगता यहाँ रुकने में? अच्छा ऐसा क्यों? यहाँ कोई रुकता नहीं है। अच्छा यहाँ यहाँ, से शीशम के पेड़ कट गए, अपनी स्टोरी हो गई। देखो ये डले हैं अच्छा पौधे, चंदन कहाँ पर? के देखो दिखाऊं। अच्छा कहाँ पर है चंदन का पेड़? तो गाइस आपको चंदन का पेड़ दिखाते हैं दो चलकर। काट के अच्छा तोड़ गए, दो ये देखो किस जला, तरीके के काट के, देखो चोरी ये काट को तोड़ गए। चोरी करके काट के फेंक के चले जाते हाँ हैं, वो आ गए, कुछ हमने काफी देख चोरी भी लिया हो जाते हैं यहाँ इसीलिए। पे। देखो चंदन के पेड़, तो यहाँ पे चोर चक्के भी बहुत हैं इस हिसाब से तो। पुष्पा पिक्चर देख ली, लोगों ने कहा इसे तो अच्छा जाना। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, इस तरीके का है। अच्छा चोरी करो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर चोरी करना गलत बात होती है। पुष्पा राज झुकेगा नहीं, अरे फिल्मों में ही अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में तो ये सब बहुत बेकार चीज है। जमुना जी और कितनी दूर पे रह गई है? आ गई अच्छा नर्सरी। चलो हम लोग गाइस जमुना जी के किनारे पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही मिनट में। और इसके माध्यम से यहाँ नली में सिंचाई जाती है ना?
मतलब नर्सरी में पानी जाता है इसके माध्यम से। किधर से जाया जाए? यहाँ अपनी पानी की मोटर लगी हुई है। अच्छा, द्वारा सप्लाई जाती है जिस द्वारा हम पानी पीते हैं। तो गाइस मैं जैसा कि यमुना नदी किनारे पहुंच चुके हैं और ये देखो यमुना नदी है और सामने सूरज बस ढलने ही वाला है कुछ ही देर में। और ये नर्सरी से लगी हुई है, बिल्कुल नर्सरी। जमुना जी तो पूरी गई है। इस पुल कहाँ के लिए गया है? ये सामने वाला पुल जमुना नदी से, ये वाला, ये तो यही तो गया है, ये भगवान टाकेज के लिए रामबाग से बाटर। अच्छा, तो ये ब्रजेश भाई, तो कितने साल पुरानी होगी ये नर्सरी? नर्सरी तो पुरखों से चली आ रही है, कम से कम होगी कम से कम 150 साल पुरानी। अच्छा चलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जो भी ब्रजेश भाई की नर्सरी से प्लांट्स खरीदना चाहते हैं तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर है 7452970212। और इसी के साथ मेरी वीडियो, मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर मेरी वीडियो, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें।